गद्दार बिक सकते हैं, खोखे ने खरीदा जा सकता है, लेकिन शिव सैनिकों का प्रेम बिकाऊ नहीं है। यह बात उद्धव ठाकरे ने सोमवार को बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर शिवसेना उद्धव गुट द्वारा षणमुखानंद सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में बीजेपी और शिंदे गुट पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास मोदी हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे का नाम लिए बिना उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। आज हिंदुत्व के नाम पर एक दीवार खड़ी करने का फौलादी शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के साथ जाकर हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, लेकिन अब वही खुलेआम कह रहे हैं कि वो भी शरद पवार की सलाह लेते हैं। फिर हमने क्या गलत किया था? उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस वामपंथी विचारधारा के थे और संघ दक्षिण पंथी विचारधारा वाला संगठन है, लेकिन आजकल खुलेआम विचारों को हड़पने का काम चल रहा है। संघ का न तो स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान था और न ही संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में। कोई खुद को कुछ भी कह ले, मोदी हैं, लेकिन बाला साहब के नाम के सिवा वोट नहीं मिलते। ये बात आज उन्होंने मान्य कर ली है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया, 3 साल हमने काम किया इसलिए आज वे लोकार्पण कर सके। मोदी उस दिन बोले, वो गंभीर है, भक्त अंधे होते हैं, ये हम सब समझ सकते हैं, लेकिन गुरु भी अंधा है। 2002 तक मुंबई में मनपा घाटे में थी, 6,500 करोड़ रुपए का घाटा था। तब के आयुक्त सुबोध कुमार और हमारे लोगों ने बीएमसी को सशक्त बनाया, तब जाकर के बीएमसी में फिक्स डिपॉजिट तैयार हुए। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र में आने वाले उद्योगों को हड़प लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र हड़प लिया, फिल्म सिटी हड़पने की कोशिश चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5,00,000 करोड़ रुपए के निवेश ले गए। मुंबई महानगर पालिका खुद के पैसे से सड़क बना रही, टोल फ्री कोस्टल रोड ला रही है। ये सारे उपक्रम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीएमसी के पास मजबूत फिक्स डिपॉजिट है। इसमें से 30-40% हिस्सा कर्मचारियों का है, भविष्य निर्वाह निधि का, ग्रेच्युटी का और अन्य मदों का है, लेकिन उन्हें लगता है कि मुंबई महानगर पालिका सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। लेकिन हमारे लिए मुंबई हमारी मातृभूमि है। वो शाकाहारी होंगे, लेकिन उन्हें मुंबई को मुर्गी समझकर काटना है। ये मुंबई मराठी लोगों ने खून बहा करके हासिल की है। मराठी लोग अपनी मुंबई को इन लोगों के हाथों में नहीं जाने देंगे। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में राज्यपाल द्वारा पदमुक्त होने की इच्छा जताए जाने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी देर बाद सद्बुद्धि आई है, उन्हें महाराष्ट्र से भगा देना चाहिए था। महाराष्ट्र के महापुरुषों छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा सावित्रीबाई फुले का अपमान राज्यपाल ने किया है। इन महापुरुषों के अपमान पर चुप बैठने वाले बाला साहेब ठाकरे के अनुयायी कैसे हो सकते हैं? हालांकि भले ही एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे के चित्र का अनावरण करके बताने की कोशिश कर रहे हों कि वो बाला साहेब ठाकरे के असली सियासी उत्तराधिकारी हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के इस प्लान को फेल करने के लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक शिंदे के पास न जाए, और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर लड़ाई दिलचस्प इसलिए हो गई है क्योंकि जिस काम को एकनाथ शिंदे अपना बताने की कोशिश करते हैं उसमें उद्धव ठाकरे अपना हक जताने में जरा भी देरी नहीं करते हैं, और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे खुलकर उद्धव ठाकरे पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। शिंदे को लगा था कि वो बाला साहब ठाकरे के चित्र का अनावरण करके महाराष्ट्र के सियासी माहौल को बदल लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल दोनों ही गुटों की ओर से अपनी अपनी दावेदारी चल रही है, लेकिन फैसला यहाँ पर जनता को करना है और बीएमसी चुनाव में इस बात का फैसला हो जाएगा कि आखिर असली शिवसेना कौन है। जनता ही करेगी कि शिवसेना आखिर है कौन, और उसी के आधार पर जनता अपना वोट भी देगी। फिलहाल दोनों तरफ से लगातार जंग जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।